सुप्रभात बच्चों, तो आज हम सीखेंगे हिंदी। और हिंदी में हमने अब तक कौन कौन से स्वर सीखे हैं, हाँ बताइए। हाँ, अ से अनार, आ से आम, हाँ हमने अ से अनार से लेके आई से ऐनक तक स्वर सीखे हैं। तो आज हम सीखेंगे आई के बाद वाला जो स्वर आता है ना, वो स्वर आज हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम अब तक के जो स्वर हुए हैं, वो जो कि स्वराज हमने अभी तक पढ़ा है ना, वो सारे स्वर हम फिर से रीड करेंगे। ओके, फिर से दोहराएंगे। तो बच्चों अपनी टीपीटीपी बैग बुक निकालिए हिंदी की, और उसमें से पेज नंबर 16 के ऊपर आपको खोलना है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, ये जो स्वर है ना वो हम पढ़ेंगे। ओके, अ से अनार, क्या है, अ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमारत, बड़ी ई से ईख, छोटी ऊ से उपहार, बड़ी ऊ से ऊन, और री से ऋषि। ओके, और दूसरे पेज के ऊपर भी बहुत सारे स्वर हैं। ए से एक, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, आहा। ओके, तो ये वाले स्वर हैं जो है हमें अभी तक सीखने हैं। ओके, हमने कौन कौन से स्वर सीखे हैं इसमें से, ए से एक और आई से ऐनक। तो आज हम कौन सा स्वर सीखेंगे, ओ से ओखली और औ से औरत, है ना। आज हम दो स्वर सीखेंगे। ओके बच्चों, तो जल्दी 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 अपना टिपी टिपी बैग जो आपने बुक जो आपने ओपन किया है ना, वो पेज नंबर 30 के ऊपर आपको ओपन करना है। उसमें से पेज नंबर 30 आपको निकालना है, तो जल्दी जल्दी निकालिए। तो बच्चों ये है लेटर ओ, स्वरा ओ। तो पहले आपको क्या करना है, पेज के बीच में सी डब्ल्यू लिखना है, और लेफ्ट कॉर्नर में आज की तारीख 7, क्या है आज की डेट, आज की तारीख क्या है, 7/9/2021। ओके, 7th September 2021। तो पहले हम क्या करेंगे, ये कौन सा लेटर है वो देखेंगे। ये है स्वरा ओ, क्या बोलते हैं इसे, ओ कैसे प्रोनंसिएट करते हैं, ओ। ओके, तो दिस इज अ लेटर ओ, स्वरा ओ। ओके, तो फिर अभी आपको क्या करना है, पेज बुक के लास्ट वाले पेज पे जो स्टिकर है ना, उसमें से आपको ओ वाला स्टिकर ढूंढना है और यहाँ पे स्टिक करना है। तो जल्दी जल्दी कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी स्टिकर निकालिए और यहाँ पे चिपकाइए, यहाँ पे स्टिक कीजिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड चिल्ड्रन। ओके, तो अब हम देखते हैं ओ से कौन कौन से शब्द स्टार्ट होते हैं। ओके, देखिए बच्चों, ओ से ओखली, अपनी किचन में देखा होगा मम्मी कुछ ना कुछ कूटती रहती है ना, जो भी खाने में जो हमने कूट के डालना पड़ता है, वो इसमें से जो ओखली है ना उसमें कूटा जाता है। ओके, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि मम्मी ने कुछ ना कुछ तो कूटा होगा इस ओखली में, तो इसे कहते हैं ओखली। ओ से ओखली, ओ से ओस। ओके, ओस मतलब क्या है, जब बारिश में पत्तों के ऊपर पानी जमा होता है ना, ड्रॉप्स जमा होते हैं ना, उसे बोलते हैं ओस। ओके, देखो यहाँ पे पानी जमा हुए ना, ड्रॉप्स जमा हुए हैं पानी के। ओके, सो इसे बोलते हैं ओस। ओ से ओस, ओ से ओट, लिप्स, ओ से ओट। तो फिर से दोहराइए बच्चों, ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओट। ओके, सो ये वाले जो शब्द हैं वो हैं ओ से चालू होने वाले शब्द। ओके बच्चों, तो फिर अब हम क्या करेंगे, ओ जो शब्द है, ओ जो स्वर है
वो लिखे कैसे जाता है वो देखेंगे, ओके। तो ओ लिखने के लिए पहले हमें क्या लिखना है, अ। आप सबको तो अभी अ लिखने के लिए आता है, तो पहले आप लिखोगे अ थ्री लाइन में, फिर उसके बाद लिखोगे आ और उसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, आ लिखने के बाद उसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, और जैसे हमने आई लिखते समय एक मात्रा दी थी ना बच्चों स्टैंडिंग लाइन के ऊपर, वैसे ही आ के स्टैंडिंग लाइन जो है आ की उसके ऊपर से हमें एक मात्रा देनी है। बच्चों ध्यान से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी मात्रा हम लिखते हैं वो स्टैंडिंग लाइन के ऊपर से ही आनी है, ओके। आपको अच्छे से ओ ऐसे ही लिखना है, देखिए ऐसे, ओके। नहीं तो फिर कोई बच्चे कैसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना है, ओके। जो सेकंड वाली स्टैंडिंग लाइन होती है ना बच्चों, वहीं पे आपको मात्रा लिखनी है, ये वाला रॉन्ग है, ओके। सो जो सेकंड वाली मात्रा है ना, जो सेकंड वाली स्टैंडिंग लाइन है ना, उसके ऊपर ही आपको ये मात्रा लिखनी है, ओके। सो बच्चों फिर से हम दोहराएंगे ड्रेसिंग, पहले हम क्या लिखेंगे, अ लिखेंगे, फिर बाजू में एक स्टैंडिंग लाइन लिखेंगे, फिर हो जाएगा आ, फिर स्लीपिंग लाइन, और जो दूसरी वाली स्टैंडिंग लाइन है ना बिल्कुल उसके ही ऊपर से हमें एक मात्रा निकालनी है, ये बन गया ओ। तो बच्चों आपको ऐसे ओ ट्रेस करना है। सो आप क्या बोलते हुए ट्रेस करोगे, ओ से ओखली, क्या बोलते हुए ट्रेस करोगे आप, ओ से ओखली, करेक्ट, ओके, ओ से ओखली, ओके। सो बच्चों पूरे पेज के ऊपर आपको ऐसे अच्छे से ट्रेस करना है और बोलते हुए ट्रेस करना है, क्या बोलोगे आप, ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओट, बहुत सारे शब्द हैं, इन तीनों में से आप कौन सा भी शब्द लेके बोल सकते हो, है ना, ओके। फिर अभी अब जब आपका ओ लिख के ख़त्म हो जाएगा ना तब आप मुझे बताइए, ओके। फिर हम दूसरा स्वर देखेंगे, दूसरे स्वर सीखेंगे, ओके। सो बच्चों ये जब लिख के हो जाएगा तो आपको क्या करना है, ये जो दूसरा स्वर है वो देखना है, ओके। सो बच्चों इस पेज के ऊपर भी आप क्या लिखोगे, सी डब्ल्यू, क्या लिखोगे, सी डब्ल्यू, क्या लिखोगे, और फिर आज की तारीख 7/9/2021 7 सितंबर 2021, ओके बच्चों। तो ये है स्वरा आउ, क्या है आउ, ओ को हमने एक ही मात्रा लिखी थी, देखिए बच्चों ओ को हमने एक ही मात्रा लिखी थी है ना, अभी आउ में देखिए दो मात्राएं हैं, कितनी मात्राएं हैं, दो मात्राएं हैं, टू मात्राज आर देयर इन लेटर आउ, ओके। सो दिस इज ओ से ओखली और दिस इज आउ, ओके। तो बच्चों अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टिकर लगाना है, तो जल्दी जल्दी स्टिकर निकालिए और यहाँ पे स्टिक कीजिए, जल्दी 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 कीजिए, यस। तो स्टिकर लगाना लगा के हो गया, तो अभी हम आउ से जो शब्द होते हैं वो देखेंगे। तो बच्चों ये है आउ, देखो प्रोनंसिएशन देखो आउ, ओके, आउ से, आउ से औरत, आउ से औषधि, आउ से औजार, ओके। फिर से दोहराएंगे और फिर से बोलेंगे, आउ से औरत, आउ से औषधि, आउ से औजार, ओके। सो ये जो वर्ड्स हैं वो कौन से स्वर से स्टार्ट होते हैं बच्चों, हाँ बच्चों बताइए कौन से स्वर से स्टार्ट होते हैं, यस करेक्ट, आउ से स्टार्ट होते हैं, आउ से औरत, आउ से औषधि और आउ से औजार।
और नीचे देखिए बच्चों, क्या गुनगुनाने के लिए बोला है उन्होंने? छोटी सी कविता है और वो कविता गुनगुनाने के लिए उन्होंने बोला है। ओके, सो देखते हैं कौन सी कविता है, है ना? ओ से ओस है, औ से औरत, झूठ बोलना बिल्कुल मत। देखो बच्चों कितनी अच्छी सीख दी है उन्होंने। ओ से क्या आता है? ओ से ओस आता है। और औ से क्या आता है? औरत। औ से औरत। और उन्होंने क्या बोला है हमको? बहुत अच्छी सीख हमें दी है। वो क्या है? झूठ बोलना बिल्कुल मत। वी शुड नॉट टॉक लाई। ओके, हमें कभी भी लाई बात नहीं करनी है। वी हैव टू से ट्रूथ। ओके, जो भी अच्छी और सच्ची बातें हैं वही हमें बोलनी है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। ओके, तो बच्चों अभी हम देखते हैं कि औ जो ये स्वर है वो लिखते कैसे है। ओके, सो सेम ओ की तरह हमें ये भी पैटर्न्स ट्रेस करने हैं। तो बच्चों क्या लिखना है हमें? पहले हमें लिखना है अ। क्या लिखेंगे हम? पहले अ लिखेंगे, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों? क्या लिखेंगे? आ, और उसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, उसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। फिर हम लिखेंगे आ, लिखेंगे स्लीपिंग लाइन लिखेंगे, और एक जो मात्रा, जो सेकेंड वाली स्टैंडिंग लाइन के ऊपर एक मात्रा आती है वो ट्रेस करेंगे। ये बन गया ओ, ओ से ओस। फिर से हम रिपीट करेंगे आ और स्लीपिंग लाइन, और फिर ये जो सेकेंड वाली स्टैंडिंग लाइन है उसी के ऊपर आपको दो मात्रा लिखनी है ऐसे। ओके, आपको जो दोनों भी मात्रा है वो इसी स्टैंडिंग लाइन के ऊपर आनी चाहिए ऐसे। ओके, आप एक कभी भी आपको ऐसे आउ नहीं लिखना है, दो मात्राएं दो स्टैंडिंग लाइन के ऊपर नहीं लिखनी है। ओके, जो भी दो मात्राएं हैं वो सेकेंड वाली स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही आएगी। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग लेटर औ। ओके, सो बच्चों ध्यान में रखिए, जो भी मात्रा आप लिखोगे वो हमेशा ये स्टैंडिंग लाइन के ऊपर ही आनी चाहिए, और वो भी कौन से? सेकेंड वाले स्टैंडिंग लाइन के ऊपर। ओके, तो बच्चों ट्रेस करो, औ, औ से औरत, औ से औजार, औ से औरत, औ से औजार। ओके, तो ऐसे आपको अच्छे से बुक, नोटबुक में आपके अच्छे से ट्रेस करना है। ओके, फिर ये ट्रेसिंग होने के बाद बच्चों अब आपको क्या करना है, आपकी जो थ्री लाइन वाली बुक है ना हिंदी की, वो बुक में आपको ओ से ओखली और औ से औजार लिखना है। ओके, तो हमने ए और आई आपके बुक में लिखे हुआ होगा, है ना? आपने तो लिखा होगा मुझे पता है। तो फिर अब हम क्या करेंगे? ओ से ओखली, ओ से ओखली लिखेंगे। ओके, तो बच्चों सी डब्ल्यू लिखना है और आज की तारीख लिखनी है। ओके, सी डब्ल्यू लिख के आज की तारीख क्या है? 7 September 2021। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे? ओ वर्ड्स, ओ लेटर से जो पिक्चर स्टार्ट होता है वो पहले हम ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों आज हम ड्रॉ करने वाले हैं ओखली। क्या ड्रॉ करने वाले हैं? ओखली। तो बच्चों पहले क्या करना है? दो स्लैंटिंग लाइंस निकालने हैं ऐसे। ओके, ऐसे दो स्लैंटिंग लाइंस आपने निकाले, फिर उसके ऊपर छोटे से नीचे, और फिर यहाँ पे ऐसा कर्व। ओके, ऐसे आपको कर्व निकालना है,
और फिर यहाँ पे भी एक ऐसे अच्छे से टू कर्व्स निकालिए बच्चों, और फिर यहाँ से एक अपसाइड कर्व और एक डाउन साइड कर्व, और उसके बीच में सेम दो कर्व्स आपको अच्छे से ड्रॉ करने हैं। ओके, फिर आपको क्या करना है, और एक स्लैंटिंग लाइन और एक स्लैंटिंग लाइन और उसके ऊपर एक सर्कल, तो ये बन गया ओखली। क्या बन गई हमारी ओखली, ओ से ओखली। तो अभी आप क्या करोगे, बड़े से अक्षर में ओ लिखोगे ऐसे, देखिए बच्चों बड़े से अक्षर में आपको ओ लिखना है। ओके, ऐसे आ लिखो, फिर एक स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन के ऊपर एक मात्रा। ओके, ये बन गया ओ। ओके, नाउ आपकी मम्मा को बोलिए चार कॉलम्स ड्रॉ करके देने के लिए। ओके, और हम क्या लिखेंगे बच्चों, ओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ओ। तो पहले लाइन के ऊपर आपको मम्मा लिख के देगी, पहला पैटर्न बुक में क्या था, अ था, फिर उसके बाद क्या था, आ, फिर उसके बाद क्या था, आ के ऊपर स्लीपिंग लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन के बाद ओ के ऊपर एक सेकेंड लाइन, स्टैंडिंग लाइन के ऊपर एक मात्रा, ओ से ओखली। ये ओखली भी आपको कलर करनी है। ओके, तो बच्चों अभी आपको अच्छे से विथ पैटर्न ओ से ओखली लिखना है। तो बच्चों आप कैसे लिखोगे, पहले अच्छे से आप अ लिखो, फिर नहीं स्लीपिंग लाइन नहीं आएगी, सिर्फ अ लिखना है, फिर उसके बाद आपको आ लिखना है। ओके, फिर आ के ऊपर एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन लिखनी है और फिर ये जो स्टैंडिंग लाइन है सेकंड वाली उसके ऊपर एक मात्रा आएगी। तो बच्चों आपको ओ से ओखली ऐसे अच्छे से लिखना है। ओके बच्चों, ड्राइंग निकाल के ओ से ओखली आपको अच्छे से लिखना है। ओके, तो फिर ओ के बाद हमने और एक स्वर सीखा था, वो कौन सा स्वर सीखा हमने बताइए, कौन सा स्वर सीखा हमने, करेक्ट हमने सीखा औ से औरत। फिर से हमको क्या लिखना है, क्लास वर्क और आज की तारीख। ओके, तो औ से औजार, हम ड्रॉ क्या करेंगे, औ से औजार ड्रॉ करेंगे। ओके, जो औ से औजार कैसे ड्रॉ करना है आपको पता है, तो पहले आपको क्या करना है, एक स्टैंडिंग लाइन स्लांटिंग लाइन निकालनी है लेकिन कर्व में। ओके, दो स्लांटिंग लाइन ऐसे कर्व में आपको निकालनी है ऐसे। ओके, फिर यहाँ पे ऐसे एक कर्व आएगा। हाँ बच्चों, ऐसे ऐसे एक कर्व आएगा